एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद आपको आपका सेटअप का अंदर वो बाथ को छोड़ना है, तभी हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है और आप लोगों के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आज। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए और पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक जो मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन है वो प्रेस कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि जब नया वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूँगा सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अब बार्ड्स को जो एंटीबायोटिक का कोर्स आपको कैसे करना है और एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या है वो भी आप लोगों को वीडियो में आज दिखाऊंगा। एंटीबायोटिक देने से बार्ड्स को क्या क्या बीमारी का सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हर बार्ड्स को महीने में एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स देना चाहिए। और आप लोग जो बाहर से बार्ड्स परचेस करके लेके आते हो वो बार्ड्स को भी एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद आपको केज में रखना होगा। बाहर से वो बीमारी लेके आती है और आपका सेटअप का अंदर वो बीमारी फैला देती है, तो इसलिए आपको पहले एंटीबायोटिक का करने के बाद आपको केज का अंदर रखना है। तो एंटीबायोटिक का कोर्स आपको दिखाऊंगा और वो बहुत ही अच्छा एक एंटीबायोटिक का कोर्स है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसका डोजेस क्या है वो भी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हर जो बार्ड्स है मेरे पास, जितना भी बार्ड्स है, मैं हर बार्ड्स को महीने में एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स कराता हूँ, ताकि बार्ड्स बहुत ही सुस्त और हेल्दी रहे और बार्ड्स का हर बीमारी से वो बच सके। तो इसलिए मैं एंटीबायोटिक का कोर्स हर महीने एक बार करता हूँ, तो वही वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ और वो एंटीबायोटिक का जो मेडिसिन है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। एंटीबायोटिक का मेडिसिन ये आप देख सकते हो, ये टेट्रोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये देखिए ये लिखा हुआ है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल, ये एनिमल्स के लिए है। आप देख सकते हो इधर इसका जो आपको लिखा हुआ है सब कुछ पीछे में आप देख सकते हो, ये डेट देख के लेना है और आपको वेटनरी शॉप पे मिल जाएगा। और इसका प्राइस है 77, आपको 75 रुपये लेगा। और इधर आप देखिए, इधर आप लिखा हुआ है अब आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना है, तब आपको क्या 2.5 ग्राम पाउडर लेना है और इसके साथ 4.5 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर लेना है, ये मिक्स करके और प्रोवाइड करना है। और इधर देखिए, जब उसका कोई बीमारी होगा तब आपको डोज बढ़ाना है, तब आप देखिए 5 ग्राम के साथ इसको इन 4.5 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जब बार्ड्स का बीमारी होगा तब आपको 5 ग्राम लेना है 4.5 लीटर पानी के साथ, और जब एंटीबायोटिक का कोर्स करना है तब आपको 2.5 ग्राम लेना है 4.5 लीटर पानी के साथ। तो इसी तरह मिक्स करके वो लोग को प्रोवाइड करना है। और भी एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स करना है आपको बार्ड्स को, तब आपको और भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका जो बार्ड्स है उसका मछली के अंदर कुछ चिक्स रहेगा, तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स आपको मत करना, क्योंकि आपका जो चिक्स है वो मर भी सकते हैं। तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक का जब भी आप जो कोर्स करना है तब आपको मछली का अंदर चिक्स नहीं रहेगा, तब आपको एंटीबायोटिक का कोर्स आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैसे प्रोवाइड करना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बार्ड्स को आपको रात को पानी का जो बर्तन है वो निकाल लेना है और निकाल के आपको सुबह वो लोगों को पानी देना है, तभी आप बार्ड्स का लिए काम करें, क्योंकि सुबह सुबह टाइम बार्ड्स को पानी चाहिए। तो इसलिए रात को पानी का बर्तन निकाल लीजिए और सुबह वो मेडिसिन मिला के वो पानी बार्ड्स को प्रोवाइड कीजिए, वो तुरंत वो मेडिसिन बार्ड्स का शरीर का अंदर जाके वो काम स्टार्ट कर देगा। तो जिस बार्ड्स का बीमारी के लिए आप दे सकते हो, बहुत कोई बीमारी जैसे आपको बार्ड्स का लूज मोशन, डायरिया होता है या उसको बुखार है या ठंड लग गया है, फेदर फुला के बैठा है, तो बहुत ही अच्छा काम करता है। बार्ड्स आप परचेस करके लेके आते हो तो अलग करके केज लेके बीमारी ठीक करने के लिए रखते हैं अलग करके, वही जो केज है उसमें रख के आपको ये 3 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद आपको आपका सेटअप का अंदर
वो बर्ड्स को छोड़ना है, तभी आपका जो, क्योंकि बाहर का जो बर्ड्स आप लेके आते हो उसका बीमारी रहता है, इसलिए आपका सेटअप का अंदर वो बीमारी नहीं फैलेगा। तो इस वजह से हम लोग बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद मैम हमको वो सेटअप का अंदर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना होगा, और इसके साथ आपका सेटअप में आपको महीने में एक बार हर जो बार से सभी को आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बार्ड्स का हर कोई बीमारी से वो लोग बच जाएगा। क्योंकि बीमारी तो आपको बोल के नहीं आएगा, बीमारी आ जाती है, तो इसलिए ये महीने में एक बार आप एंटीबायोटिक का कोर्स करने से बार्ड्स का सेहत बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही हेल्दी रहता है। तो इसलिए आपको महीने में एक बार बार्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं भी एंटीबायोटिक का कोर्स करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बताया, ये आप लोगों का मर्जी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और भी नया नया वीडियो बना के आप लोगों का साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज का वीडियो यही तक।